नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल SB मेडिसिन में। आज अपन बात करेंगे स्ट्रुजीपेन 25 mg टेबलेट के बारे में। स्ट्रुजीपेन 25 mg टेबलेट को मोरपेन कंपनी बनाती है, जिसकी प्राइस है ₹45 पर स्ट्रिप। इसमें जो कंटेंट जो लगा है वो है सिनेराजीन 25 mg। इसका यूज आप डॉक्टर की सलाह से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यह टेबलेट आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। स्ट्रुजीपेन 25 mg की टेबलेट एक एंटी हिस्टामाइन ग्रुप की दवा है, जिसे मोशन सिकनेस, वर्टिगो और मेनियस डिसीज के इलाज में यूज किया जाता है। मोशन सिकनेस की बात करें तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि आपको सफर के दौरान हिलने डुलने के कारण आपको चक्कर आने लग जाते हैं, आपको उल्टी और जी घबराने जैसा लगने लग जाता है। इसके नाम से ही लग रहा है, मोशन मतलब गति या हलचल और सिकनेस का मतलब होता है बीमारी, यानी हलचल के कारण होने वाली समस्या। ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी आंख, कान और आपकी जो स्किन है वो दिमाग को अलग अलग सिग्नल उनकी वजह से क्या अलग अलग सिग्नल देने लग जाते हैं, जिससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और आपको चक्कर आना, उल्टी होना और मतलब जी घबराने जैसा आपको लगने लग जाता है। वर्टिगो की बात करें तो इसका भी मतलब होता है चक्कर आना, जो बार बार मूवमेंट करने के कारण ट्रिगर होता है। ये कई कारणों से हो सकता है, पर यह बिना किसी खास रोग की वजह से भी आपको हो सकता है। अब बात करें मेनियस डिसीज की, तो ये एक आंतरिक कान का विकार है, जिसमें क्या होता है कि आपके कानों के अंदर घंटियां बजना, मतलब आपको लगता है जैसे कानों के अंदर घंटियां बज रही हैं, आपको कम सुनाई देने लग जाता है और वर्टिगो जैसी समस्या आपको होने लग जाती है। मतलब इसमें भी आपको चक्कर आने जैसी समस्या हो सकती है। इसकी वजह से कान में बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लूड माना जाता है, मतलब इसकी जो वजह है वो कान में बहुत ज्यादा फ्लूड की मात्रा से मतलब ये प्रॉब्लम आपको होने लग जाती है, जो कि आमतौर पर कान के अंदर वाले हिस्से में पाया जाता है। तो ऐसे में ये टेबलेट कान के अंदरूनी भाग में ब्लड का जो फ्लो है उसको सुधारने में हेल्प करती है, जो वहां क्या करती है जो एक्स्ट्रा फ्लूड का दबाव होता है ये उसे कम कर देती है, मतलब ये उसे घटा देती है। ये टेबलेट कान के जो ब्लड सेल्स हैं उनको सिकुड़ने से बचाती है, इससे कान का जो मतलब माइक्रो सर्कुलेशन है उसमें सुधार हो जाता है। अगर आपको इनके साथ ही वेस्टिबुलर डिसऑर्डर है, बहरापन की शिकायत हो रही है, कान में आवाजें आती हैं, तो ऐसी सभी समस्याओं में डॉक्टर आपको यह टेबलेट यूज में लेने की सलाह दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से आप जैसे बैठे हो और अचानक से आपकी मतलब दुनिया घूमने लग जाती है, धुंधला दिखाई देने लग जाता है, या फिर कोई भी एक चीज है तो दो दिखाई लग जाती है आपको, या फिर कान में सुन की आवाज आने लग जाती है, या कान के संबंधित किसी भी तरह की समस्या है, तो ऐसे में डॉक्टर्स आपको यह दवा यूज में लेने की सलाह दे सकते हैं। बात करते हैं इस टेबलेट के सावधानियों के बारे में। तो अगर आपको पेप्टिक अल्सर है, अस्थमा की शिकायत है, लो ब्लड प्रेशर है, या फिर आपको कोई भी सीवियर डिजीज है, तो इसी सभी कंडीशंस में इसके यूज करने से पहले आपकी जो भी कंडीशंस हैं वो डॉक्टर्स को जरूर बताएं, और वो कहे तो इसका यूज करना है, बाकी आपको इसका यूज नहीं करना है। जानते हैं इसके डोज के बारे में। तो नॉर्मली से एक एक टेबलेट आपको सुबह शाम लेने कहा जाता है, या फिर जब आपको इस तरह की जो समस्या है वो होने लग गए हैं तो ऐसे में आप इसका यूज कर सकते हो, या फिर जैसे आपको डॉक्टर बताएं वैसे आप इसका यूज कर लें। अब जानते हैं इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में। तो इससे आपका वजन बढ़ सकता है, आपको अपच हो सकते हैं, ड्राउजीनेस की समस्या हो सकती है, और मुंह सूखने की समस्या आपको हो सकती है। ये साइड इफेक्ट कुछ टाइम के लिए होते हैं, कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको इनके अलावा कोई भी अदर कंडीशन क्रिएट होती है तब ऐसे में आप इसका यूज बंद करें और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।